नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के टांडा में और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जिस तरह से ये टांडा का जो यहाँ का एरिया है बहुत ही इलेक्शन को लेकर बहुत खास माना जाता है, बहुत ही हसास यहाँ का इलेक्शन माना जाता है। इस वक्त यहाँ जो जिस तरह से मैदान में यहाँ प्रत्याशी हैं उनमें से कई अहम प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टी से भी हैं, सत्ता दल के भी हैं और वहीं कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ ये यहाँ की आवाम है, यहाँ से जानेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्या चाहते हैं ये लोग और किस तरह का अपना यहाँ चेयरमैन चुनेंगे। तो आइए हम इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप यहाँ किस तरह का माहौल देखते हैं चुनाव को लेकर? आप यहाँ का माहौल जो है एक तरफा ही है, कुछ परसेंट तक 70-80% शाहबुद्दीन गौरी साहब की तरफ जाते हैं। शाहबुद्दीन गौरी कौन है, किस पार्टी से, क्या क्या कहेंगे? वो निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार और इससे पहले भी 2017 में भी उनके चेहरे पर चुनाव जीता गया था और 2012 में वो खुद थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। ये जो कहती है वो, इसलिए लोग जनता उनको बहुत पसंद करती है। क्यों चुनना चाहेंगे शाहबुद्दीन गौरी? उन्होंने पिछले 2012 से 2017 के दरमियान ऐसे काम कराए हैं जो मैंने किसी और चरण में नहीं कराए और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे डिग्री कॉलेज है यहाँ पर उन्हीं के बदौलत से अभी तक पिछले 2017 के बाद से अभी तक इसको चालू भी नहीं कराया गया क्योंकि इस वक्त गौरी साहब के साथ धोखा हो गया था, मकसूद लाला था, उन्होंने इसको कोई ध्यान नहीं। अच्छा, आप बताएं आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रशीद। आप क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने बताया कि शाहबुद्दीन गौरी चेयरमैन रहते थे, हालांकि अभी जो ये टर्म में जो चेयरमैन जो रहते थे उनका नाम जो अभी वो बीजेपी से हैं उम्मीदवार इस मरतबा और इनको यहाँ जो है मकसूद लाला के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे किस तरह के उम्मीदवार हैं? वो हेल्पर थे गौरी साहब के, वो लेवल लोग थे, तो उन्होंने चेयरमैनी जो दी थी वो उनकी बीवी खड़ी कर रखी थी, तो बीवी जो खड़ी कर रखी थी वो धोखे से चेयरमैनी चली गई। तो फिलहाल तो गौरी साहब थे चेयरमैन, गौरी साहब थे, वो धोखा दे के चेयरमैन बन गए। धोखा दे के किस तरह के धोखे दिए, आप क्या कहेंगे? उनकी बीवी खड़ी थी, उनके पास ज़रा मसला और बन गया था बीवी का, तो उनके पास बीवी खड़ी थी, उन्होंने खड़े कर दिए, जैसे मामला में ये है मामला के चक्कर में उन्होंने धोखा दिया। अभी भी हालांकि यहाँ मजबूत कुछ लोगों का कहना है कि मजबूत दावेदार माने जा रहे, क्या कहेंगे आप ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस्ती का काम गौरी साहब का हाथ के हुए हैं, गौरी साहब अच्छे हैं, विकास भी अच्छे कराए हुए गौरी साहब ने और बढ़िया काम भी कराए हैं। लाला चेयरमैन साहब का कुछ विकास नहीं है टांडे के अंदर, लाला चेयरमैन साहब ने ये रोड है ये रोड बिल्कुल नहीं चलवाई, 5 साल हो गए। किस तरह की रोड है, कहाँ है, किधर है? 15 फुट का रास्ता था, ये 5 साल है, वार्ड नंबर 7 में, 5 साल में कुछ विकास नहीं कराया। उनके खालू लगते हैं, वो मेंबर थे उस बात के, तो उन्होंने डलवाना चाहिए था, उन्होंने ये बात नहीं डलवाई, 5 साल हो गए। अच्छा। 4-5 मकान है इसमें, यहाँ पे रोड नहीं पड़ी। तो यहाँ की जनता ने यहाँ उनसे कहा कि ये रोड जो डलना है, जो पास हुआ था वो डलना चाहिए, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल नहीं है, उसमें कुछ रोड के बजट पास हो गया था, वो दूसरे जगह रोड डलवा दी कोई रिश्तेदार होगा। ये यहाँ पे गारों में आदमी निकले, मट्टी में देख लो मट्टी में कीचड़ है, यहाँ पे नाली बनी हुई है, कीचड़ों नाली भी नहीं बन पा जी। तो आपको बता दें मकसूद लाला जो है यहाँ के मौजूदा चेयरमैन है और उनको लेकर यहाँ इस तरह की शिकायतें ये लोग कर रहे हैं। हम और लोगों से जानेंगे इस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि शाहबुद्दीन गौरी एक बड़े तालीमी इदारे से आते हैं और वो JNU से पास आउट हैं, उन्होंने इसीलिए तालीम के हमदर्द हैं और तालीम लोगों में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जो अब से पिछले 5 साल जो वो चेयरमैन रहे थे तो उन्होंने यहाँ कॉलेजेस वगैरह बनवाए थे, हम इस वक्त एक इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं जिसको इन्होंने तामीर कराई थी, ये कॉलेज है यहाँ इंटर कॉलेज, यहाँ के लोगों के लिए ये तालीम का नज़म किया था। उसके साथ ही यहाँ स्लॉटर हाउस आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्लॉटर हाउस यहाँ के आवाम के लिए ये कराया था और इसके साथ ही एक पानी के नज़म के लिए एक बड़ी टंकी का यहाँ जो निर्माण कराया गया था। साथ ही यहाँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये फवारा आप ये देख रहे हैं, ये भी शाहबुद्दीन गौरी साहब के टाइम में यहाँ कराया गया था। लोगों का कहना इसलिए यही है कि जिस तरह से उन्होंने तरक्याती कामों को तरजीह दी और तरक्याती काम किए यहाँ, इसलिए वो इनको चुनना चाहते हैं। आइए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, ये झंडा चौक जो कहलाता है, यहाँ का टांडा का इलाका है झंडा चौक, यहाँ इस झंडा चौक के लोग क्या कहते हैं उनसे जानेंगे, आइए बात करते हैं। आप किस तरह के देखते हैं यहाँ के चुनाव को, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? चुनाव में मुद्दे ही हैं सारे और जितना प्रभावित यहाँ पे जनता हो गई है हर दिन हर वक्त चुनावी चुनाव है, मुद्दे तो कुछ है ही नहीं। नहीं, यहाँ की आप जनता हैं, यहाँ के किस तरह के आप क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? आप डेवलपमेंट में हो तो बताएं, कोई डेवलपमेंट यहाँ जिस जगह बैठे हैं कुछ बता रहे हैं कि पिछले जो इनसे पहले के जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के कार्य किए थे, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी नज़र में करे, अगर ये दोबारा आ जाते हैं तालीम के नाम हो सकता है। देखो
जनता के ऊपर निर्भर करता है। दोबारा आए हैं, आप चाहेंगे, आप तालीम चाहते हैं कि तालीम के मतलब तालीम को चाहते हैं, अगर ये मंदिर बन गया, बढ़िया बन गया, इसके अंदर शिक्षा के ऊपर वाले की दुआ से आने जी जी अच्छा अच्छा जी। देखिए यहाँ तालीम को लेकर ही लोग बात कर रहे हैं कि तालीम के मैदान में जो काम करेगा उसको वो लाना चाहेंगे। बहरहाल देखना होगा क्या यहाँ के आवाम फैसला सुनाएंगे। कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? ये आपसे सवाल ये है कि तालीम के मैदान में यहाँ से पिछले के अब से पिछले से पिछले चेयरमैन आए थे शाहबुद्दीन गौरी नाम से, और उन्होंने जिस तरह से अभी आपके सामने कॉलेज देख रहे हैं, इंटर कॉलेज वगैरह और जगह भी कई कॉलेज वगैरह खुलवाए थे, हालांकि कुछ नहीं चल सके क्योंकि अगली बार वो चेयरमैन नहीं बन सके, तो क्या तालीम को जो बढ़ावा देने वाला हो आना चाहिए? आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? नदीम हसन नाम। आप क्या कहें, किस तरह से ये काम ये तालीम के दिखाई दे रहे हैं? क्या है बताइए आप, इसको देखिए आप, बनवा के इसको मतलब ज़रूर चालू होना चाहिए यहाँ पे, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बच्चा यहाँ का नहीं चाहता कि मैं पढ़ूँ, वो चाहता है कि मैं जहालत में रहूँ? जी जी बताएं आप। जी बिल्कुल, तो आप उस पर बताएं किस तरह के जिन्होंने बनाया था, शहाबुद्दीन गौरी साहब ने बनाया था, लेकिन उन्हीं के पार्टनर लाला मकसूद लाला चेयरमैन बने थे, तो वो भी चीज़ को नहीं कर पाए। आगे ऐसा चेयरमैन चाहते हैं कि चालू करा दें, ज़रूर चालू होना चाहिए। और क्या क्या काम देखना चाहते हैं, युवा होने के नाते आप? काम तो बहुत सारे हैं, अभी कुछ पेंडेंसी में काम है, लेकिन उनको आगे होना चाहिए उन कामों को। मौजूदा चेयरमैन किस तरह में काम किया? ठीक खास है, लेकिन ज़्यादा खास काम नहीं किया। काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए तालीम के मैदान में जो काम करे उनको लाएंगे, ये यहाँ के युवाओं का भी कहना है। आइए आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नया है। क्या कहेंगे, किस तरह का चुनावी माहौल देखते हैं यहाँ और कैसा चेयरमैन चुनना चाहते हैं? अपना विकास वाला चेयरमैन चुनेंगे, अपना अच्छा चेयरमैन होना चाहिए, बढ़िया चेयरमैन है, और गौरी साहब को चुनना चाहते हैं। गौरी साहब को किस लिए गौरी साहब को चुनेंगे आप? विकास के टाइम चाहिए हम। कैसे विकास के कार्य किए थे उन्होंने? जैसे विकास पैदा कराया था, जैसा वो जनता का टाइम चाहिए, सड़क की है, बिजली की है, इस मामले में सही है, तो ये पेड़ लगाए थे, अच्छे लगाए थे, ये हम आपका खड़ा करवाए। अच्छा, 2017 के बाद जो है ये जब सीट महिला सीट हो गई थी, उसके बाद गौरी साहब ने किसी और को अपनी जगह चुनाव लड़ाया था, तो किस तरह के उनके कार्य को देखते हैं आप? कौन थे वो? वो अब नाम था उनका मकसूद लाला मैनाजा, को दिखाया था अपने मुकाबले पर खड़ा करता, वो जीती थी। तो फिर उन्होंने किस तरह का काम किया? उन्होंने काम सही करा, अच्छा करा, और थोड़े मतलब इसी के लिए क्या कहा? दोबारा से इसलिए गौरी साहब को लाना चाहते हैं आप? दोबारा हाँ लाना चाहते हैं गौरी साहब को। अच्छा जी 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 जी, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैडम मोहम्मद जहूर है। जहूर साहब, किस तरह देखते हैं यहाँ का चुनाव और टांडा का, जिस तरह से कई प्रत्याशी मैदान में लगभग 8-9 कैंडिडेट इस तरह अध्यक्ष पक्ष उम्मीदवार हैं, लेकिन उसमें जो है आपको बताऊं, जो अब तक तो देखा गया है, सब लोगों ने बहुत से वादे किए हैं कम विकास के लाएंगे टांडा का, लेकिन अभी तक कोई टांडा का विकास नहीं होगा, मुझसे संतुष्ट नहीं है। आपको बताना बात ये कि टांडा आज भी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है, इतने मतलब जो काम हुए हैं उसके बावजूद भी अभी बहुत पीछे है हेल्थ के। इसमें सबसे जो है तीन मुद्दे सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल क्रूशल इशू हैं वो तीन हैं, जिसको नंबर पहला है हेल्थ केयर, नंबर दो है एजुकेशन, और नंबर तीन है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये सबसे तीन बहुत ज़्यादा क्रूशल इशू हैं जिन पर काम होना है, अभी तक इसमें किसी कैंडिडेट ने कोई काम नहीं किया। अभी इन 5 सालों में नहीं हो सका काम? नहीं नहीं, जो पिछले सब जो 5 साल गुजरे पिछले उसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन मैं समझ 20% काम हुआ। किसने काम कराया वो जो इससे पिछले 5 साल थे, इससे पहले के 5 साल? पिछले 5 साल से जो अध्यक्ष थे उन्होंने काम कराया, लेकिन अभी काम पूरी मुकम्मल हो नहीं पाया, अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि टांडा जो है एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जबकि 1.5 लाख की यहाँ की आबादी है, उस हिसाब से जो टांडे के अगर कंपेयर करें दूसरे क्षेत्र से वो काफ़ी आगे हैं, जो बहुत छोटे छोटे इलाके हैं वो टांडे से विकास बहुत आगे हैं, लेकिन टांडा हमारा बहुत पीछे है। अभी हम यहाँ लोगों की कुछ लोगों की राय लेते आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि शहाबुद्दीन गौरी जो जिनकी यहाँ वालिदा चुनावी मैदान में है और वो यहाँ के खुद चेयरमैन रह चुके हैं, और शहाबुद्दीन गौरी खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं और तालीमी इदारे से आए, बड़े तालीम से वो पास आउट हैं,
और यहाँ उन्होंने कई सारे कॉलेज वगैरह का भी काम शुरू किया था, क्या कहेंगे उसके काम को, किस तरह देखते हैं? उन्होंने जो थे वो पिछले जो पाँच सालों से पिछले पाँच साल उन्होंने अध्यक्ष तक किए हैं, उन्होंने जो काम कराए थे वो जमीने निकाली थी ताकि उन पर जो कुछ काम हो जाए, कुछ मतलब स्कूल कॉलेज बन जाएँ, डिग्री कॉलेज बन जाएँ, डिग्री कॉलेज और अस्पताल बन जाएँ, जच्चा बच्चा केंद्र बन जाए, ये सबसे बड़े इशू थे, लेकिन वो बन नहीं पाए। जमीन तो निकाली लेकिन उन पर कोई काम नहीं हो पाया, असली मुद्दा ये है। उन्होंने की कोशिश थी करने की, लेकिन उन जमीनों को वो जमीन जो क्यों पड़ी रही उन पर कोई काम नहीं हो, केवल एक स्टेडियम के अलावा जो स्टेडियम बना उसके अलावा कोई काम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये हुआ कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया उसने ही उनको दगा दी। जी हाँ, इसमें बहुत हद तक ऐसा ही है, बहुत हद तक है, बहुत हद तक ये बात देखी जो यहाँ सामने आ रही है बात, कि जिस तरह से जब महिला सीट होने के बाद में जब उनके ड्राइवर जो मकसूद लाला के नाम से जाने जाते हैं यहाँ, उनको जब ये सीट यहाँ दी गई तो उन्होंने जिस तरह से धोखा दिया। यहाँ आवाम का कहना है कि जिस तरह से वो भरोसा करके लाए थे लेकिन वो काम नहीं कर सके। अब देखना होगा कि शहाबुद्दीन गौरी जो चुनावी मैदान में उनकी जो वालिदा हैं वो किस तरह से अब इस काम को यहाँ के लेके चलेंगे। दोबारा से जो यहाँ उन्होंने बुनियादें रखी थी और ज़मीनें वगैरह इस काम के लिए खरीदी गई थी, तो आगे की कार्रवाई किस तरह से ये चेयरमैन बनने के बाद अंजाम देते हैं, क्योंकि यहाँ के अक्सर लोग परेशान हैं, जो मौजूदा चेयरमैन थे लोग परेशान हैं, और दोबारा वो यहाँ गौरी जो शहाबुद्दीन गौरी साहब के नाम से जाने जाते हैं उनको दोबारा यहाँ लाना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि अगर वो आ गए तो दोबारा से यहाँ तालीम के मैदान में और हेल्थ के सेक्टर में यहाँ काम होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे यहाँ 4 मई को जनता यहाँ की क्या फैसला सुनाती है। NGTV के लिए टांडा से अब्दुल कलाम। NGTV, the voice of common people.